एक तरफ कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है तो वहीं दूसरी ओर इसका असर होली के त्योहार पर भी दिख रहा है। बाजार सूने पड़े हैं, कोरोना वायरस की वजह से सुस्ती देखने को मिल रही है और इस बार बाजार में चीनी सामान नहीं है। सभी सामान भारत के हैं, इसके बावजूद भी सामान की बिक्री नहीं हो रही है। होली के लिए बाजार सज चुका है। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के पिचकारी दुकान में मौजूद हैं, जहां पर होली से संबंधित सामग्रियां मौजूद हैं और यहां पर व्यापारी जो हैं वो बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि जो बिक्री है वो नहीं हो पाई है, तो हम ज्यादा जानकारी के लिए व्यापारी से ही संपर्क करना चाहेंगे कि उनके पास कितने सामान मौजूद है और कितने सामानों की बिक्री हुई है। जी मैम, सामान अभी तो नहीं है इतना, 3-4 हज़ार की बिक्री हुई है। और मेन क्या है, एक दिन पहले ही रहता है जो बिजनेस रहता है, एक दिन पहले ही रहता है, बाकी ऐसा तो छुटपुट छुटपुट चल रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल की बात करें तो कितनी बिक्री हुई है? साल तो बहुत कम है पिछले साल के मुकाबले। तो ऐसा माना जाए कि कोरोना वायरस की वजह से बिक्री पर प्रभाव पड़ा है? बहुत पड़ा है, उसकी वजह से ही पड़ा है। लोग डर रहे हैं कि वहाँ का माल आएगा तो उसमें अपने को ना वायरस फैल जाए, इस वजह से लोग नहीं खरीद रहे, जबकि वहाँ का माल नहीं है, टोटल इंडिया का है। आपको बता दें कि ये जो माल है वो चाइना से नहीं बल्कि भारत से है, तो इस वजह से जो सामान है वो थोड़े से महंगे भी हैं, लेकिन बिक्री जो है वो काफी प्रभावित है। बिक्री है वो हो नहीं पा रही है। फिलहाल देखना होगा आने वाले 2 दिनों में यहाँ पर सामान की बिक्री जो होती है वो कितनी होती है। कैमरामैन चोलाराम यादव के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस। और अब खबर बिना से जावर मधुमक्खी।